तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा क्योंकि दोस्तों आपका चैनल भी खतरे में है। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ना बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है यूट्यूब की हैकिंग। तो दोस्तों आजकल ना 10-15-20 हज़ार इवन 2 लाख सब्सक्राइबर वाले भी चैनल यूट्यूब पे हैक हो रहा है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले ज्ञानी जो अभिषेक आनंद है उनका चैनल हैक हुआ था ज्ञानी 2.0। अगर दोस्तों आपको पता नहीं हो तो मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे जाके तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, कैसे किया, सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेल भी किया और हाँ यूट्यूब टीम को भी इन्होंने मेल किया। और दोस्तों इनका चैनल मात्र 11 दिनों में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मात्र, बट एक क्रिएटर के लिए दोस्तों उसके पूरा एक बच्चा होता है छोटा सा उसका यूट्यूब चैनल, वो अगर दोस्तों हैक हो जाए तो उसके ऊपर क्या बताएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो दोस्तों उन्होंने 11 दिनों में के मेहनत के बाद उनका चैनल वापस आ गया ज्ञानी 2.0। लेकिन दोस्तों अभी एक साहिल चंदेल नाम के एक व्यक्ति है जिनका एक मेन चैनल है, मेन चैनल आप साहिल चंदेल नाम सर्च करिएगा आपको वो व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उनका एक मेन चैनल है पलट तेरा ध्यान किधर है, अगर आपने ये चैनल नहीं सुना हो तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इनका चैनल हैक हो चुका है उनके पहले जो ज्ञानी 2.0 था उनके पहले, मतलब समथिंग एक मत होने वाला है। बट दोस्तों इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैंने कहीं भी वीडियो देखी इनकी, बट जब ज्ञानी 2.0 का जो चैनल था आई एम बैक वाले वीडियो था उनमें उन्होंने जिक्र किया था कि यार मैं रोटी तो दूसरों को जब खिलाऊंगा ना, जब मेरे पास खुद ही खाने के लिए रोटी होगी तब मैंने उनका ये वीडियो देखा। और हाँ जब मैंने पलट तेरा ध्यान किया तो वो मेरे को चैनल मुझे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला। दोस्तों मैं आपको साहिल चंदेल का लिंक दूंगा ना कि पलट तेरा ध्यान किधर है का, ठीक है। तो दोस्तों जितने मैंने वीडियोस देखे हैं और हाँ जहाँ तक मैंने सर्च किया है यूट्यूब पर और गूगल पर कि समथिंग ज़्यादातर प्रॉब्लम जो चैनल हैकिंग को लेकर आती है वो कहाँ से आती है। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो के सबसे पहले वो होता है स्पॉन्सरशिप, या दोस्तों अगर अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, इवन मतलब अभी तो है नहीं, अभी तो 50 भी नहीं है, अब मान लो चलो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं और हाँ मुझे स्पॉन्सर सबसे पहले आती ही नहीं है, चलो आती है मान लो वो भी $400-500 मतलब 28,000-30,000-35,000 रुपए की, और हाँ उसमें मुझे लिंक भी मिलता है, एक लिंक मिलेगा उस पर मैं क्लिक करूँगा अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस करूँगा, जस्ट गया मेरे यूट्यूब चैनल गया। दोस्तों अभी मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी कि उन्हें भी एक मेल आया था और हाँ उसमें यह भी बताया गया था कि इतना इतना डॉलर हम आपको देंगे, बट उसने शातिरता के साथ होशियारी के साथ उनका जवाब दिया। और हाँ उन्होंने कुछ प्रूफ मांगा, उसका जो कुछ वीपीएन करके था कि कुछ प्रूफ मांगा कि हाँ आप ये हमको एक शॉर्ट वीडियो दो कि आपको ऐसी करके वीडियो बनानी है, वैसे मैं वीडियो बना दूंगा, बट उन्होंने ऐसी कोई वीडियो नहीं दी जिसके कारण मनोज दे का चैनल बच गया। दोस्तों उनका तो बच गया, बट दोस्तों बात हो रही थी इसमें साहिल चंदेल के बारे में। तो दोस्तों साहिल चंदेल का क्या, मतलब कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है जिसकी बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक पहुँच आए और उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की यूट्यूब टीम तक पहुँच आए। दोस्तों कुछ ऐसा तिकड़म निकालो कि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों देखिए दोस्तों मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट दोस्तों मैं बोलता हूँ कि ये जो चंगुल है ना इसे यूट्यूबर्स को निकलना होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि यूट्यूब चैनल हैक क्यों होते हैं और दोस्तों इनका जो चैनल हुआ है भगवान करे इनको जल्द से जल्द वापस मिल जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ आप ऐसे टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।